प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 की संस्कृत का नवम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 9, असत्यस फलम, असत्य का फल। कस्मिंचित ग्रामे एकः अजापालकः अवसत। किसी गांव में एक गडेरिया रहता था। तस्य नाम मलूकदासः आसीत। उसका नाम मलूकदास था। असत्य संभाषणे तस्य रुचि आसीत। झूठ बोलना उसका शौक था। सः निरर्थकम् असत्यं वदति स्म। वह बिना वजह अक्सर झूठ बोलता था। तस्य व्यवहारेण पारिवारिक जनाः ग्रामीणाः च दुखिता आसन। उसके इस व्यवहार से परिवार और गांव के लोग दुखी थे। मलूकदासः बने अजा आचार्यः। मलूकदास वनों में बकरियां चराता था। मनोरंजनाय एक दास उच्चे अवदत। हे ग्रामीणा सर्वे समागच्छन्तु भवन्तः। रक्षन्तु माम। मनोरंजन के लिए एक बार वह ऊंचे स्वर में चिल्लाया, हे गांव वालों, आप सभी यहां आइए, मेरी रक्षा करिए। को अपि सिंह मम समीपे समायातः अस्ति। कोई एक शेर मेरे पास आ गया है। ग्रामीणाः तस्य शब्दं श्रुत्वा यष्टिम् अस्त्राणि शस्त्राणि च गृहीत्वा वनम् अगच्छन्। गांव वाले उसकी आवाज सुनकर अस्त्र और शस्त्र लेकर घर से वन में आ गए। ते अपृच्छन् सिंहः कुत्र अस्ति। सबने पूछा शेर कहाँ है। मलूकदासः उच्चे अहसत अवदत च मया तु मनोरंजनाय इत्यं उक्तम। मलूकदास जोर से हंसता है और बोलता है, मैंने तो मनोरंजन के लिए ऐसा कहा था। कुत्रापि सिंह नास्ति, शेर कहीं नहीं है। त्रिस्कृताः ग्रामीणाः ग्रामम् अगच्छत्। गांव वाले अपमानित होकर गांव चले जाते हैं। पुनः अपि मलूकदासः एवं अकरोत्। मलूकदास ऐसा बार बार करता है। ग्रामीणः ग्रामीणः पुनः अपि तिरस्कृताः संजाताः ग्रामं च समागताः। और बार बार गांव वाले अपमानित होकर लौट जाते हैं। मिथ्यावादिनः मलूकदासस्य विश्वासं सर्वे अपि ग्रामीणा न कुर्वन्। झूठ बोलने वाले मलूकदास पर सभी गांव वालों ने विश्वास नहीं किया। यत् मिथ्यावादिनः विश्वासं को अपि न करोति। इसलिए गांव वाले अब उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। एकदा वस्तुतः एवं सिंह मलूकदासस्य समीपे आगच्छत्। एक बार वास्तव में एक शेर मलूकदास के पास आ गया। सः उच्चे अरटत। हे ग्रामीणा समागच्छन्तु भवन्तु। रक्षन्तु माम। वह तेज आवाज में बार बार चिल्लाता है, गांव वालों मेरे पास आओ, मेरी रक्षा करो। को अपि सिंह मम समीपे समायात अस्ति। कोई एक शेर मेरे पास आ गया है। किंतु ग्रामीणाः तस्य विश्वासं न कुर्वन्। लेकिन गांव वाले उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। सिंह मलूकदासं अमारयत अभक्षयत च। शेर मलूकदास को मार देता है और खा जाता है। मलूकदासः इत्थम् असत्य संभाषणे प्राणान् अत्यज्यत। मलूकदास को झूठ बोलने के कारण अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। अतएव कदापि असत्यम् न ब्रूयात्। इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।